दसरा व दीपोत्सवाची दिवाळी साजरी करण्यासाठी नवीन खादी वस्त्राच्या फ्रेश स्टॉकने सज्ज खादी वस्त्र विश्वातील आपला मित्र खादी उत्सव महासेल स्पेशल दसरा दिवाळी निमित्त भव्य प्रदर्शन एकाच छताखाली भरपूर व्हेरायटी खादी हाफ शर्ट 200 रुपये खादी फुल शर्ट 250 रुपये नेहरू कुर्ता 350 रुपये संग्राम कुर्ता पठानी 350 रुपये शॉर्ट कुर्ता 250 रुपये पैजामा 300 रुपये जॉकेट 600 रुपये त्याचसोबत लेडीज खादी कुर्ता सुद्धा उपलब्ध मात्र 300 रुपये उत्तम क्वालिटी सोबत सर्वात कमी दरात उपलब्ध फक्त काहीच दिवसांकरिता तर लवकरात लवकर भेट द्या खादी उत्सव महासेल पत्ता प्रियदर्शनी सभागृह नागपूर रोड पाण्याच्या टाकीजवळ पोस्ट ऑफिसच्या समोर चंद्रपूर संपर्क क्रमांक 9356288255 कर्नाटक एमटा कंपनी द्वारा प्रकल्पग्रस्तों की मांगे पूरी ना करने पर आंदोलन शुरू किया गया विधायक सुधीर मुनगंटीवार के नेतृत्व में कंपनी को क्या चेतावनी दी गई देखते हैं इस खबर में कर्नाटक एमटा कंपनी द्वारा प्रकल्पग्रस्तों की मांगों को ठुकराए जाने के खिलाफ विधायक सुधीर मुनगंटीवार द्वारा शंखनाद आंदोलन का इशारा किया गया 15 दिन पूर्व ही कंपनी के प्रतिनिधियों के साथ शासन स्तर पर चर्चा हुई लेकिन कंपनी द्वारा कोई कदम उठाया नहीं गया 15 दिसंबर 2016 के दिन हुए करारनामे के तहत की गई मांगें जैसे कि प्रकल्पग्रस्तों की समस्या को हल करने के लिए सुधारित नियुक्ति पत्र देना 1 अप्रैल 2015 से बकाया वेतन का लाभ देना भविष्य निर्वाह निधि साथ ही अन्य प्रकल्पग्रस्तों को नौकरी प्रदान करना इन सारी मांगों को नज़रअंदाज कर कंपनी अपनी मनमानी पर उतर आई है मांगे पूरी होने तक आंदोलन श्रृंखलाबद्ध तरीके से चलाया जाएगा साथ ही 28 अक्टूबर तक मांगे पूरी नहीं हुई तो आगे की रणनीति तैयार की जाएगी ऐसी चेतावनी विधायक सुधीर मुनगंटीवार ने दी मीडिया को इस आंदोलन के संबंध में जानकारी देते हुए विधायक मुनगंटीवार ने कहा अन्याय की परिसीमा धागी इथं कर्नाटक एमटा नावाची कोळसा खदान जेव्हा आली तेव्हा या ठिकाणच्या ब्रांच मुकासा व चेक ब्रांच या शेतकऱ्यांच्या शेती घेताना करार झाला या करारामध्ये स्थानिक लोकांना नोकरी देऊ नोकरी दिली नाही तर प्रकल्पग्रस्तांना 5 लाख रुपयाचा विशेष निधी देऊ या ठिकाणी त्यांना वेजेस देऊ वेतन देऊ पीएफ देऊ असं सांगितलं आणि आज या ठिकाणी शेतकऱ्यांच्या कोणत्याही मागण्या पूर्ण न करता कोळसा खाण सुरू केली उपाध्याय नावाचा हा कोळसा खाणचा पश्चिम बंगालमधला व्यक्ती इथं अन्याय करतो आहे दडपशाही करतो आहे तानाशाही करतो आहे आज यांच्या जेवण्यामध्ये आज कोळशाचा भुकटी इथं खावी लागते याच्या विरुद्ध भारतीय जनता पार्टीचे जिल्हाध्यक्ष देवरावजी या ठिकाणचे पंचायत समिती सभापती ठेंगणेजी नरेंद्र जीवतोडेजी व इतर सर्व प्रकल्पग्रस्त बांधवांनी आंदोलन सुरू केलं आहे आमची चेतावणी आहे की जो करार 2016 झाला त्या कराराची अंमलबजावणी करण्यात यावी त्या करारानुसार जो करार झाला त्यानुसार जोपर्यंत प्रकल्पग्रस्ताच्या मागण्या पूर्ण होत नाही तोपर्यंत कोळसा खदान सुरू करू नये आजपासून 15 दिवस तिथं कष्टकरी शेतकरी उपोषणाला बसतील आणि 28 तारखेनंतर तरी चार प्रकल्पग्रस्ताच्या मागण्या पूर्ण झाल्या नाही मग दिवाळीमध्ये मात्र जनता त्यांना फटाके लावल्याशिवाय राहणार नाही इस आंदोलन के समय जिला परिषद अध्यक्ष सौ संध्या गुरनुले भाजपा के अध्यक्ष देवराव भोंगड़े महानगर भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर मंगेश कुलवाड़े वरोरा नगराध्यक्ष एहतशाम अली आशीष देवतड़े नामदेव डाहुले चंद्रकांत गुंडावार नरेंद्र चितोड़े अजय दुबे डॉक्टर भगवान गायकवाड़ विवेक बोड़े ब्रिजभूषण पाजारे विशाल निम्बाड़कर राहुल पावड़े संदीप आवारी प्रमुखता से उपस्थित थे